नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। आज के दिन बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बताया जा रहा है कि स्टील के स्टॉक्स जो है इनमें वैल्यूएशन बढ़ चुकी है और यहाँ पे जो है 38% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज़ आते ही आज के दिन देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ शेयर्स के अंदर यहाँ पे ना आज के दिन 1.6% का गिरावट देखने को मिला और बाकी स्टील स्टॉक्स में भी आज के दिन दबाव देखने को मिला। इसके साथ साथ एक और दूसरा रिपोर्ट भी आया हुआ है, वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है माइनिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्टील जो है माइनिंग का कर ही एक तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिबाब में बनाया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अभी रेनिंग का सीज़न है, रेनिंग सीज़न में जो है माइनिंग ठीक से हो नहीं पाएगी, इसके वजह से भी एक तरह से डिप वो रहेगा दिक्कत। दूसरा चीज़ बताया जा रहा है कि ग्लोबल सेंटिमेंट में इस वक्त चाइना की तरफ से ना इतना डिमांड नहीं आ रहा है और ग्लोबल सेंटिमेंट की तरफ से भी नहीं आ रहा है। तो ये भी एक दूसरा सेंटिमेंट है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए हम तो लगातार आपको यहाँ से बता रहे हैं जो कि 180 रुपये का लेवल था, 180 के लेवल से बता रहे थे। कई रिसर्च एनालिस्ट उस टाइम पे भी ना अपना रिपोर्ट निकाल रहे थे, जैसे कोटक ने निकाला था, फिबा में गोल्डमैन सैक्स ने निकाला था, तभी भी उन्होंने सेलिंग के रेटिंग दिए थे। और आज के दिन ना बहुत ही बड़ा एक अपडेट आया जो कि सभी स्टॉक को लेकर आया। उस टाइम पर जो रिपोर्ट आया था सिर्फ सेल को लेकर आया था, मगर अभी पूरा स्टील सेक्टर को लेकर आया है। तो हमारे पास एक अच्छा लेवल है जो कि 140 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल कल के दिन परसों के दिन अगर ब्रेक करता है तो फिर आप समझ लेना यहाँ पे हमको ना एक बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये करेक्शन जो है ना इस वक्त हमको शॉर्ट टर्म के लिए 130 रुपये तक का देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक सरकारी स्टॉक है। सरकारी स्टॉक का एक खासियत होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट होता है ना तुरंत ही रैली करने लग जाता है। तो इस वक्त ना डायरेक्ट सेलिंग करना भी दिक्कत रहेगा। तो 140 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर 130 का रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ से भी थोड़े टाइम के लिए अपसाइड जा सकता है। नहीं कि लॉन्ग टर्म में अगर बात करूँ ना तो लॉन्ग टर्म में हमको 130 रुपये तक का भी डाउनसाइड इसमें देखने को मिलेगा। तो सारे कंडीशंस मैंने बताए हैं, अगर चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद।